हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे फ़ोटो पे 3D शैडो की इफ़ेक्ट हम डाल सकते हैं ताकि हम जब फ़ोटो के कहीं पर भी शेयर करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे, तो वो फ़ोटो दिखने में बहुत सारे एट्रैक्टिव दिखे और लाइक शेयर भी बहुत सारे हो जाए। तो आज हम इस पर ही बात करेंगे कैसे फ़ोटो में 3D शैडो को डालते हैं। तो इसके लिए हमें पिक्सेल लैब पे जाना होगा। तो चलिए हम चलते हैं पिक्सेल लैब पे। ठीक है, पहले हमें पिक्सेल लैब को ओपन करना है। ठीक है, पिक्सेल लैब ओपन हो गया। ये जो न्यू टेक्स्ट से हमें करना है डिलीट, इसे हम कर रहे हैं, इसे कर दिया डिलीट। अब जो ये नीचे जो ये वाला दिख रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो कलर दिख रहा है, कलर में क्लिक करना है। कलर में क्लिक करने के बाद ऊपर जो कलर दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से वाइट बैकग्राउंड लेना है। हमें जो बैकग्राउंड लेना है वो वाइट, तो हम वाइट पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें ऊपर जाना है, ऊपर प्लस के आइकन में वहाँ पर जाके हमें वहाँ पर जाना है। फिर हमें फ्रॉम गैलरी में जाना है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से हमें एक इमेज लेना है जिसमें हमें 3D शेडो की इफेक्ट देना है। तो चलिए मैं इमेज को ले रहा हूँ। इसमें मुझे देना है 3D इमेज आ गया। फिर यहाँ से हमें इसे टिक मार्क को ओके कर देना है। ठीक है, ये रहा इमेज। अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब इसको मिडिल में लाते हैं। दोस्तों ये देखो इमेज आ गया। आप हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो दिख रहा है ना, ये हमें इसमें क्लिक करना है। ठीक है, फिर इधर ले आना है हमें, इधर जाना है, फिर जाना है, फिर ये दिख रहा है ना शेडो, इसमें हमें क्लिक करना है। ठीक है, फिर इसको फीचर से इसको इनेबल कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो कलर से इसे ब्लैक सेलेक्ट करना है, फिर ऊपर उठाना है थोड़ा। फिर देखो ऑफसेट एक्स लिखा है ना, इसको थोड़ा जूम करके, ठीक है, आपको जितना चाहिए उतना जूम कर लो ना, बस देखा, और थोड़ा ऊपर लाना है। फिर ऑफसेट वाई है, इसको भी थोड़ा हमें जूम करना है, इसको इस तरफ से। ये देखो दोस्तों, आप देखने में ऐसा लग रहा है कि फ़ोटो ऊपर है, इसके नीचे कुछ चीज़ है। देखने में ऐसा लग रहा है कि फ़ोटो बैक पीछे की जो व्हाइट बैकग्राउंड है उसे ऊपर आ गया है। ठीक है दोस्तों, देखा कितने से 5 सेकंड में ही हमने एक फ़ोटो को कैसे 3D शैडो दे दिया। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद ऊपर यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद सेव है इमेज, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर करने के बाद हमें यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद इसे यहाँ पर हमें ओके करना है। यहाँ पर ओके करना है, फिर इसे वेरी हाई में हमें क्लिक करना है, फिर सेव टू गैलरी कर देना है। बस ठीक है, सेव टू गैलरी। आप हम इसको चलते हैं गैलरी में, गैलरी में जाके देखते हैं फोटो कैसे बन गए। ठीक है, तो चलते हैं गैलरी में। यहाँ पर गए, यहाँ गैलरी में, ये देखो दोस्तों कितना खूबसूरत सा 3D इफेक्ट की साइड में आ गए, 3D इफेक्ट की शैडो। दोस्तों आप भी इसी तरह आसानी से किसी भी फोटो में 3D शैडो की इफेक्ट डाल सकते हैं पिक्सेल ऐप के जरिए। तो